गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 20 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवर मैनेजमेंट को लेकर आईआईटी धनबाद ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट मतलब MOU पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, आईआईटी धनबाद जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, झारखंड गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन चूंकि ये झारखंड में है इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आईआईटी धनबाद ने रिवर मैनेजमेंट के लिए आईआईटी कानपुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग इसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ नया सीखने को मिले आपको, इसलिए इस तरह का कंटेंट आपको दिया जाता है। इसको एक पॉइंट में समझा कर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका मकसद सिर्फ JSSC और JPSC के प्रीलिम्स तक का नहीं है, JPSC के मेंस और इंटरव्यू तक का है। इसलिए इस तरह के कंटेंट और थोड़े से किताबी लैंग्वेज में दिए जाते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखिए यहाँ पर रिवर मैनेजमेंट को लेकर IIT धनबाद और IIT कानपुर के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत गंगा नदी के संरक्षण, समर्थन और अविरल निर्मल धारा पर एक साथ काम किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में वाटर रिसोर्स सेंटर भी बनाया गया है। यह सेंटर झारखंड के साथ साथ देश स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में क्या योगदान किया जा सकता है इसके बारे में बताएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के विश्वविद्यालयों में टोबैको कंट्रोल क्लब TCC के गठन की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस में जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं इसमें से ऑप्शन सी रांची विश्वविद्यालय, ये इसका सही आंसर है। रांची विश्वविद्यालय में टोबैको कंट्रोल क्लब के गठन की शुरुआत की जाएगी। ओके, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में तंबाकू नियंत्रण के लिए जन व्यापक जागरण अभियान चलाया जाएगा, सभी विश्वविद्यालयों में। और इसका जो स्टार्टिंग है, इसकी जो शुरुआत है, रांची विश्वविद्यालय से की जाएगी। इसके तहत विश्वविद्यालय के PG विभागों और कॉलेजों में टोबैको कंट्रोल क्लब का गठन किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत NSS के कार्यक्रम पदाधिकारियों की देखरेख में TCC का गठन सभी कॉलेजों में किया जाएगा। हर TCC में 10 से 15 सक्रिय NSS स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। TCC के गठन के बाद इसके सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षित TCC के माध्यम से कॉलेजों व गोद लिए गांवों और बस्तियों में तंबाकू नियंत्रण को लेकर व्यापक जन जागरण भी किए जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड में खुदिया वियर योजना की शुरुआत किस ज़िले में की गई थी। आपने इसका नाम सुना होगा, तो खुदिया जो है ये एक नदी का नाम है जो कि धनबाद के गोविंदपुर ब्लॉक में स्थित है। और वियर योजना क्या है इसको आप समझिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अभी ये न्यूज़ में क्या, मैंने आपको बताया था कि 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का एक साल पूरा हो रहा है और इसके लिए सभी विभागों में ऑडिटिंग की जा रही है। तो ऑडिट करने के बाद बहुत कुछ जो है डिस्क्लोज हो रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है, उसमें से एक ये भी है। और ये क्या है देखिए, इसे 18 दिसंबर 2016 को उस समय रघुवर दास की सरकार थी, तो रघुवर दास के द्वारा धनबाद के गोविंदपुर ब्लॉक में खुदिया वियर योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। गोविंदपुर प्रखंड के धोवाटांड गांव के समीप खुदिया नदी पर बांध का निर्माण 1971 में कराया गया था। नहर निरसा तक गई थी। देखिए, ये जो है बांध, ये वैसा बांध नहीं है जो जनरली आप देखते हैं। ये बांध का बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है जिसको चेक डैम लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। तो चेक डैम और नहर ये बनाया गया था। ओके, और बाद में 1971 में इसका कंस्ट्रक्शन हो गया था। बाद में इसके जीर्णोद्धार के लिए, मेंटेनेंस के लिए 2016 में रघुवर दास ने
इसके लिए कुछ फंड आवंटित किए थे, और ये जो फंड हैं अभी तक इसका यूटिलाइज नहीं किया गया है सही से। मतलब दो स्लैब सिर्फ बना दिए गए हैं फंड के नाम पर। यहाँ पर देखिए, इस योजना का उद्देश्य खुदिया वियर में 27 गांवों की 4200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था। इससे लगभग 2 लाख किसानों को लाभ होने का अनुमान था। अभी यह योजना न्यूज़ में क्यों है, ये इम्पोर्टेंट है तो पुराना, लेकिन अभी क्यों न्यूज़ में है। देखिए, नाबार्ड द्वारा खुदिया वियर योजना के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2017 में राज्य सरकार को 72.82 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी, लेकिन मार्च 2020 तक इस योजना को पूरा हो जाना था। इसके पुनरुद्धार से धनबाद के किसानों को लाभ देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदिया वियर के जीर्णोद्धार के नाम पर केवल स्लैब बनाए गए, कई स्थानों पर बीच में ही मिट्टी छोड़ दिया गया है। इस पर जांच शुरू की गई है। और ये पता कैसे चला, मैंने आपको बताया कि एक तो ऑडिटिंग की जा रही है, दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर फिजिकली अपीयर हुए थे, वो गए थे और उन्होंने जाकर इस चीज़ को देखा। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, झारखंड के हर प्रखंड में न्यूनतम कितने एकड़ में एक नर्सरी विकसित किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, न्यूनतम 5 एकड़ में एक नर्सरी विकसित किया जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, झारखंड के हर प्रखंड में न्यूनतम 5 एकड़ में एक नर्सरी विकसित करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है। अभी झारखंड में कुल 108 नर्सरी हैं। इन नर्सरियों में महत्वपूर्ण पौधे मिलेंगे। वर्तमान में झारखंड के 108 नर्सरियों में 5 रुपये में विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे उपलब्ध हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, गरगा, जुमार और कोनार समेत 11 नदियों के उद्गम स्थल से लेकर तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना भी तैयार की गई है, जिसका अनावरण मार्च 2021 में किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के किस लेखक के द्वारा एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, धर्म, धर्मांतरण एवं अस्मिता, छोटा नागपुर के उरांव का एक समाजशास्त्री अध्ययन, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं, जोसेफ मरियानुसस कुजूर, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब ये पुस्तक है क्या, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जमशेदपुर के निदेशक डॉक्टर फादर जोसेफ मरियानुसस कुजूर ने धर्म धर्मांतरण एवं अस्मिता नामक पुस्तक लिखा है। इसका विमोचन XISS के फादर माइकल वैन डेन बोगार्ट SJ स्मृति सभागार में किया गया है। पुस्तक धर्मांतरण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में है। यह ईसाइयों की आदिवासी पहचान को प्राथमिकता देते हुए आदिवासी ईसाइयों, आदिवासी सरनाओं और अन्य लोगों के बीच त्रिकोणीय संबंधों की जटिलताओं को सामने लाती है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर चर्च की कुछ दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री, उरांव आदिवासी समुदाय की मौखिक परंपराएं, धर्म धर्मांतरण और अस्मिता के विषय के बीच के मतभेद की भी पड़ताल की गई है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं वन लाइनर टाइप के, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है रांची, रांची के मोराबादी मैदान में 29 दिसंबर को किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी को दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए ICC के द्वारा नामित किया गया है। देखिए, इसमें बहुत खिलाड़ियों के लिए बहुत खिलाड़ियों का नॉमिनेशन हुआ है, उसमें से अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी को नॉमिनेट किया गया है। और ऑनलाइन वोटिंग की जा रही थी गुरुवार को, ये जो लाइन है वोटिंग के लिए ये क्लोज किया गया है, तो रिजल्ट अभी नहीं आया है। यहाँ पर वर्ड को आप वर्ड देखिए, नामित है, तो झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी को दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए ICC के द्वारा नामित किया गया है। झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस गैर सरकारी संस्था ने UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर गोलकीपर्स कैलेंडर का द्वितीय संस्करण साझा किया है। तो यहाँ पर रांची की एक गैर संस्था
है जिसका नाम है सिटीजंस फाउंडेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, तो सिटीजंस फाउंडेशन ने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर गोलकीपर्स कैलेंडर का द्वितीय संस्करण साझा किया है। ओके, यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसे समझने में आसानी होगी आपको। चलिए लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत झारखंड राज्य के कितने जिलों के 57 पंचायतों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर 15, ये इसका सही आंसर है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग जान लेते हैं। फेज़ वन और फेज़ टू में ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग मिलकर काम करेगा। इसके लिए दोनों विभाग मिलकर शहरों से लगे पंचायतों को विकसित करेंगे। दोनों विभाग की योजनाओं का कन्वर्जेंस कराया जाएगा। धनबाद से 7, गिरिडीह से 9, पूर्वी सिंहभूम से 2, बोकारो से 5। इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में बताया गया है कि कितने कितने पंचायतों का चयन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? झारखंड के तीसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में कुल कितने देशों के फिल्मों की प्रविष्टियाँ दर्शाई गई थी? ओके, 65, 53, 67, 35। तो ये जो है आपके ऑप्शन से आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें ताकि हम अपने कंटेंट में आपके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर पाएँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करके क्लोज़ करें, ऐसे ही क्लोज़ ना करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।